हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोशल फ्रेंड यूट्यूब चैनल। हम यहाँ पे टैली का कंप्लीट कोर्स कवर कर रहे हैं। इससे पहले मैंने भी वीडियो बनाया है, बेसिक और गोल्डन रूल के बारे में डिस्कस किया मैंने, यानी जो टैली का बेसिक होता है, मीनिंग होता है, उनको मैंने कवर कर दिया है। आप उस वीडियो को पहले देख लीजिएगा, इसके बाद ये जनरल एंट्रीज वाला है, फिर इसको आप देखिएगा, ठीक है ना। कैसे हम कंप्यूटर मैनर से, यानी कंप्यूटराइज मैनर से टैली में हम एंट्री करते हैं, ठीक है ना, अपने बिजनेस की। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। अब देखते हैं पहला क्वेश्चन। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे क्लॉथ ट्रेडिंग यानी कपड़ों का व्यापार है, कपड़े का बिजनेस है, ठीक है। तो एक चीज़ ख्याल रखना, मैं कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहता हूँ पहले, एंट्री शुरू करने से पहले, कि अगर आप अपने बिजनेस रिलेटेड कुछ परचेस कर रहे हो, ठीक है, तो उसको परचेस वाउचर में डालोगे, और अपने बिजनेस से हट करके कोई सामान खरीद रहे हो, कोई एसेट्स वगैरह खरीद रहे हो, उसको डालोगे एक वाउचर होता है F7, यानी जनरल वाउचर, ठीक है। दोनों ख्याल रखना, यानी अपने बिजनेस का सामान खरीदो, मतलब कपड़ा से रिलेटेड कोई भी सामान खरीदोगे तो F9 में डालोगे, और अगर बिजनेस से हट करके जैसे कंप्यूटर वगैरह खरीद लिया, क्योंकि हम कपड़े की बात कर रहे हैं, तो अगर कंप्यूटर वगैरह खरीद लिया तो उसको F7 में रखना है, ठीक है। और मैंने पिछले सेशन में सब डिस्कस कर दिया कि वाउचर क्या होता है, कौन से वाउचर में क्या एंट्री होगा, ठीक है, तो उस सेशन को आप ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखते हैं कि आनंद मल्होत्रा कोई है जो बिजनेस स्टार्ट कर दिया है और 5 लाख से, देखो यहाँ पर थर्ड फार्म है, स्टार्ट नहीं, स्टार्ट कर दिया, थर्ड फार्म का मतलब ये होता है, ठीक है ना, स्टार्टेड। तो एक चीज़ क्या लगना, बिजनेस कैसे स्टार्ट होता है, कैपिटल लगाया जाता है, ठीक है ना, कैपिटल लगाएंगे आप तभी बिजनेस स्टार्ट होगा। कैपिटल किस रूप में हो सकता है, आपके पास कैश हो सकता है, बिल्डिंग हो सकता है, आप बिल्डिंग रख गिरवी रख के भी काम कर सकते हो, अपना ज़मीन है उससे भी गिरवी रख करके आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो ना, ठीक है। तो कैपिटल क्या होता है, एक आपका पूंजी होता है, और आपने स्टार्ट कर दिया, मान लो कपड़े का बिजनेस था, आपने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, ठीक है, तो कैपिटल लगाया अपना ना, तो कोई कस्टमर आएगा तो क्या करेंगे आप, कैपिटल बेचेंगे, अपना सामान बेचेंगे, बदले में क्या देगा कस्टमर, आपको कैश देगा, ठीक है। तो ख्याल रखना एक चीज़ कि एक संपत्ति क्या रही है, जा रही है, और दूसरी संपत्ति क्या रही, आ रही है, मतलब जो आएगा हमें उसे समझना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या रखना है, हम रिसीव कर रहे हैं, ठीक है, रिसीव का वाउचर होता है F6, ठीक है, इसको मैंने कवर किया है, आप समझना अच्छे से, मतलब क्या है कि इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है कि पहले आप क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ने के बाद ट्रांसलेट करो ढंग से, ट्रांसलेट जब हो जाए उसको क्या करो, एग्जाम्पल सर्च करो, एग्जाम्पल जब मिल जाए उसके बाद क्या करो, एग्जाम्पल मिलने के बाद अकाउंट देखो कि कौन सा अकाउंट है इस, और जो चौथा स्टेप होता है क्या करना है, गोल्डन रूल, देखो गोल्डन रूल से ही काम हो जाएगा, यानी TEAG के नाम से, ओके। तो चलो शुरू करते हैं, अब दुकान लिखा आनंद मल्होत्रा बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, यानी कैपिटल से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। तो एक संपत्ति आएगी, एक संपत्ति आएगी, मतलब कैपिटल जा रहा है तो क्रेडिट, और जो संपत्ति आएगी यानी कैश आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा, डेबिट, और इसलिए जाएगा F6 में, ओके। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, परचेज इक्विपमेंट, सामान खरीदा जा रहा है, अब देखो यहाँ पे सामान खरीदा जा रहा है फॉर कैश फ्रॉम रोजा शॉप, देखो ये बिजनेस रिलेटेड नहीं है, ठीक है ना, इक्विपमेंट औजार खरीद रहे हैं, कुछ अलग चीज़ें, इसको आप ऐड करोगे F7 में, ठीक है, इसको सीधा कर लो F7, ओके। और इसमें हम दो एंट्री करेंगे, क्या परचेज इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट करेंगे और रोजा शॉप अकाउंट क्रेडिट करेंगे, ठीक है, फिर यहाँ पे क्या करें, पेमेंट वाउचर में जा करके F5 करेंगे, और क्या करेंगे यहाँ पर, इस रोजा शॉप को पेमेंट कर देंगे F5 करके, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, कैश डिपॉजिट इनटू आर्यावर्त बैंक, बैंक वाली जो जितनी भी ट्रांजेक्शन होती हैं वो हम करते हैं F4, यानी कॉन्ट्रा वाउचर इसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। और यानी देखो डिपॉजिट हो रहा है तो क्या करोगे, बैंक रिसीव कर रहा है, बैंक किसका एग्जाम्पल है, बैंक एग्जाम्पल है पर्सनल अकाउंट का, तो उसमें ये कहा जाता है कि द रिसीवर इज डेबिट, द गिवर इज क्रेडिट, ठीक है, तो यानी बैंक रिसीव कर रहा है तो बैंक क्या हो जाएगा, डेबिट, ओके, DR बोलेंगे इसको। और कैश डिपॉजिट कर रहे हो तो कैश जा रहा है ना आपके पास से, तो कैश कर रहे हो क्रेडिट। एक और चीज़ ख्याल रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, कि जब भी एंट्री सॉल्व करो तो खुद को रख के सॉल्व करो, यानी आप काम कर रहे हो, आप जॉब कर रहे हो कंपनी में, तो आपकी पूरी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप डिपॉजिट कर रहे हो, आप खरीद रहे हो, ठीक है ना, आपने ट्रांसफ़र किया, जब खुद को रियलाइज़ करोगे तब आपको क्वेश्चन समझने में और आसान होगा, ठीक है। अब देखो लिखा कि अमाउंट ट्रांसफर, अच्छा सॉरी, यहाँ पे देखो F4 हो जाएगा यानी वाउचर, इसके बाद क्या है 3 दिसंबर का, अमाउंट ट्रांसफर टू सीताराम अकाउंट, सीताराम अकाउंट
में जो इनका सीताराम कोई पार्टी है इनके अकाउंट में ट्रांसफर किया गया पैसा, तो ये जाएगा F4 वाउचर में, ठीक है। और ट्रांसफर कर रहे हैं तो सीताराम रिसीव कर रहा है ना, और जो बैंक रहेगा आपका बैंक सेलेक्ट कर लीजिएगा आपके पास। इसके बाद क्या आएगा, परचेज फ्रॉग, इसको मैं अभी टैली में करके दिखाऊंगा कैसे करते हैं परचेज फ्रॉग। देखो अब हम बात करें फ्रॉग, ये फ्रॉग क्या है, कपड़ा है, ठीक है। तो कपड़ा खरीदे यहाँ पे फ्रॉम सूर्यांश क्लॉथ हाउस, ठीक है। तो हम सीधे सीधे जाएंगे किस में, हम जाएंगे F9 में, ओके। यहाँ पे क्या हो जाएगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू सूर्यांश अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। और ये जो फ्रॉक वगैरह होगा इसको हम नरेशन डाल देंगे, वो मैं करके दिखाऊंगा। कैश पे टू सूर्यांश क्लॉथ हाउस, अब यहाँ पे सामान खरीदा इसको पे कर रहे हैं, ठीक है। तो सूर्यांश क्या हो जाएगा, और डिस्काउंट भी रिसीव कर रहे हैं, तो कैश पे करेंगे तो डिस्काउंट वो आपको देगा, तो आप रिसीव करोगे। और डिस्काउंट आप जैसा कि आप जानते हो कि डिस्काउंट अगर रिसीव करोगे तो आपके पास इनडायरेक्ट क्या होगा, इनकम होगा, है ना। अब देखना ध्यान से, पे करो सूर्यांश को तो रिसीव करने वाला बंदा डेबिट कहलाएगा, और कैश जा रहा है, कैश भी जाएगा तो क्रेडिट हो जाएगा ना सीधा सा, ओके। तो ये सूर्यांश से रिसीव करने वाला डेबिट हो जाएगा, ये क्रेडिट हो जाएगा। और डिस्काउंट रिसीव कर रहे हो तो आपको इनडायरेक्ट इनकम होगा। और नॉमिनल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जब आपके पास ऑल इनकम और ऑल गेन होता है तो क्या होता है, क्रेडिट, यानी क्या, डिस्काउंट क्रेडिट, कैश क्रेडिट और सूर्यांश क्लॉथ हाउस डेबिट, क्लियर, ओके। और थोड़ा वेट करो, अगर समझ नहीं आ रहा तो कोई टेंशन नहीं, इसको कुछ सॉल्व कर देंगे उसमें समझ में आ जाएगा। परचेज ट्राउजर, हम ट्राउजर खरीद रहे हैं शुभम शोरूम से, तो उसको देख लो अच्छे से, ठीक है ना, सेम खरीदेंगे, अमाउंट पेड करेंगे शुभम शोरूम से चेक के माध्यम से। परचेज कंप्यूटर फ्रॉम सूरज कम्युनिकेशन, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर खरीद रहे हैं यानी गुड्स से बाहर है, ठीक है ना, हम लोग के व्यापार से सामान का बेच रहे हैं, तो ये हमारा गुड्स है, सॉरी ये हम लोग का व्यापार का है, इसको करेंगे F8, ठीक है। और अमाउंट रिसीव फ्रॉम कॉमर्स शॉप, रिसीव करना तो F6 करोगे, ठीक है। सैलरी पे कर रहे हो स्टाफ लोगों को तो F5 करोगे। चैरिटी पे कर रहे हो तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इसको भी पे करोगे। इलेक्ट्रिसिटी बिल क्या है, इसको पे करोगे आप, ठीक है।